못한 단번에 작품을 못했고, 작품을 못했다. 물어보고 있어, 그리고 자가 물어보게 해야 돼. 에, 아쉽게. 엄마? 뭐해, 마셔야 됐어. 엄마, 78년에 심어도 마셔야 말아. 그래서 밥 뱅이 됐어? আমি দেখভাল করতাম আর তখন ও হয়েছিল এক মাসের বাচ্চা আমার মা দেখত আমার মা আমার সাথে মা এসেছিল বাবা মা কি করে করবি বাবা পাঠিয়েছিল সো আমি মে খাড়ি হু কদবেল মাখা সকাল 8টার সময় কদবেল মাখা বলি মাখছি বেশি করে তেল দেওয়ার পরে কষাটা একটু কমলো লঙ্কা দি লঙ্কাগুলো একটু ঝালনি বড় বড় দুটো লঙ্কা দিলাম तो अभी मैं इसको धूप में थोड़ा सा सुखाऊंगी उसके बाद इसका जो टेस्ट है ना वो और भी बहुत अच्छा लगेगा दुगना हो जाएगा तो मैं इसको धूप में दे देती हूँ एंड आज पापा जी के गार्डन में बहुत सारा फूल उगा है कुल मिला के 10-12 तो होगा ही होगा आज मैं बनाऊंगी फूल गोभी का सब्जी एक पतला पतला सा खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है हरी मिर्च धनिया पत्ता के साथ एंड और होगा फिश करी ओके सिंपल एंड गॉर्जियस डिश एंड ये जो पतला सा फूल गोभी की सब्जी हो रहा है ये पापा जी के लिए नहीं है मेरे पल्टा बंद करो पापा जी को पतला पतला सा सब्जी पसंद नहीं है उनको थोड़ा सा रिच पसंद है इसलिए उनके लिए फूल गोभी फ्राई होगा सो यहाँ पे आ गया है मेरा अमेज़न से पार्सल बहुत दिनों से इसका इंतजार था तो इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ तो ऊपर मेरे बेडरूम में कोई भी कैंची या फिर छुरा वगैरह नहीं है तो इसको मैं अभी ट्वीज़र की मदद से खोलूँगी सो अमेज़न से मैंने ऑर्डर की थी वाओ का एलोवेरा जेल बहुत दिनों से इसका रिव्यू मैंने चेक किया था तो इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है एंड मैं जनरली पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है बहुत दिनों से यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एक बार ट्राई किया जाए तो इसमें नो पैराबिन नो सिलिकॉन नो एक्स्ट्रा एडेड कलर नो और क्या नो और मिनरल ऑयल भी नहीं है इसके अंदर तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया जाए तो इसका मैं रिव्यू आपके साथ बाद में शेयर करूँगी आफ्टर 2 or 3 weeks मैं पहले से यूज़ कर लूँ उसके बाद आप के साथ जो रिव्यू है पूरा शेयर करूंगी एंड पतंजलि का जो एलोवेरा जेल था उसके अंदर थोड़ा सा कलर भी था तो आपको मैं दिखाती हूँ इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है एकदम ट्रांसपेरेंट है आपको दिखाती हूँ एक मिनट ये देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट है तो ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छा लगा है मुझे तो मैं नहा के आ गई हूँ एंड बेबी यहाँ पे खेल रही है देखो मेरे साथ जो मेकअप का सामान है ना उसी से खेलना उसको पसंद है एंड क्या बोल रही थी मैम कि मैं आज ना कौन से साबुन से एक साबुन से मैंने नहाई है यूजुअली मैं जो यूज़ करती हूँ वो है
हाँ लोटस की फेस वॉश, लेकिन मैं आज यूज किया ये बॉडी शॉप का ये वाला सोप, जो कि मेरी एक प्यारी सी बहन ने मुझे गिफ्ट की थी फ्रॉम कनाडा। वो कनाडा में रहती है, बहुत प्यारी सी बहन है मेरी, नेम है तूली तूली तूली, मेरी प्यारी सी गोलू मोलू सा तूली। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, सो वो मुझे गिफ्ट की थी ये वाला बॉडी शॉप का एक वेरी वेरी सोप एंड उसके साथ एक बॉडी बटर शायद। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसको यूज़ करूँगी एंड सोचते सोचते आज मैंने यूज़ कर डाला, तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सोप है ना, सोप जनरली स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देता है, लेकिन ये नहीं बनाते हैं, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सोप है शायद। एंड मैंने वो वाला जो फेयरनेस ऑयल बनाई थी, मैंने आपका शेयर की थी कि मैं फेयरनेस ऑयल को कैसे बनाती हूँ, तो वो वाला मैंने यूज़ किया है, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा चमक रहा है ना स्किन, तो मुझे बहुत पसंद है। अगर वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना कि फेयरनेस ऑयल को कैसे बनाया जाता है बहुत ही मिनिमम सा प्रोडक्ट यूज करके। प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ नारियल तेल, इसके साथ दो चुटकी सिंदूर नहीं, दो चुटकी टर्मरिक, ओके रॉ टर्मरिक। तो आप उसे जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी। एंड और क्या, आप सोच रहे होंगे कि दीदी के पास कोई टॉवल वावल भी नहीं है, गमछा की यूज क्यों कर रही है, राइट? लेकिन हम बंगाली लोग हैं ना, गमछा को बहुत ज्यादा यूज करते हैं रादर देन टॉवल, क्योंकि टॉवल में हम ना कंफर्टेबल नहीं होते। थ्री इडियट्स के भाषा में अगर आप बोलना चाहो कि ये गमछा की जो पूछने की क्षमता है ना, वो दुनिया की किसी भी टॉवल में नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ, फेस जो है बहुत ज्यादा ड्राई बन रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है आ ही गया है। सोचो हरिया पे बेबी को देखिए, मस्ती के मूड में है, मस्ती करो मस्ती। नो 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 नो, এবা বিছানাটা কি অবস্থা করেছিস না? আবার আবার করেছো তুমি, আবার আমাকে ঠিক করতে হবে, তো বিছানাটা তুমি ঠিক করে দাও একটু, এরকম করে দিয়েছো, বিছানাটা কি অবস্থা করেছো? এ বাবা এ বাবা, बोशो। एंड अभी हम बेबी को खिलाएंगे, उसके बाद हम लंच करेंगे जैसे हम करते हैं। एंड आज रात को मैं बनाऊंगी एक पनीर का एक स्पेशल सा सब्जी रोटी के साथ, आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। अभी नहीं बनाऊंगी, शाम के टाइम पे बनाऊंगी। तो अभी मैं फेस पे कुछ क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ, बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो रहा है। सो जबरदस्त के एक नींद लेने के बाद मैं और मेरी बेटी दोनों ही सो रही थी। एंड अभी नींद लेने के बाद अभी 5 बज रहा है, तो बेबी को थोड़ा सा घुमा के लेके आते हैं, उसके बाद मंदिर में दिया भी जलाना है, पनीर का सब्जी जो है वो भी बनाना है। तो आपसे आके मिलती हूँ बाद में, ओके? बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है केक के साथ, एंड वो भी मेरे बोलने के बाद। मैंने दस बार उनको बोला, उसके बाद केक आया है, एंड वो भी दिवाली स्पेशल। अरे आया तो है, चलिए चलिए कर। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मू, दिवाली के टाइम पे हमने जो लाइट्स वगैरह लगाए थे ना, तो अभी तक उनको नहीं खोले, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। लाइट जब रहता है ना, तो अच्छा मन जो है बहुत ही खुश, हैप्पी हैप्पी सा लगता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्रिसमस तक जो है सारे लाइट्स जो है रख देंगे, उसके बाद ही खोलेंगे। एंड वहाँ से लौटने के बाद शाम के टिफ़िन टाइम के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोहा, एंड इसका रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो पोहा के साथ चाय, गर्मा गर्म चाय। तो अभी मैं इसको लेकर ऊपर जाऊँगी टीवी देखने के लिए, टीवी को एंजॉय करूँगी। We're traveling mountains just to find a
सो इस पनीर की रेसिपी को बनाने के लिए मैं जो करूँगी, फर्स्ट पनीर को मैरिनेट करूँगी। सो मैरिनेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कर्ड, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा नमक, चीनी एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। सो और इसमें जो ऐड करूँगी वो है थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। एंड सारा कुछ मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। एंड अभी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एंड तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद दो मीडियम साइज़ के अनियन लेके, चॉप की हुई अनियन लेके मैं इसमें फ्राई करूँगी। सो यहाँ पे ऑनियन का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं अभी इसको अलग से एक प्लेट में उठाकर रख दूंगी। एंड अभी पैन में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूंगी एंड उसके बाद जो मैरिनेट की हुई जो पनीर है उसको फ्राई करूंगी। एंड पनीर को थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद मैं एक मीडियम साइज़ के चॉप की हुई टमाटर को इसमें ऐड कर दूंगी। सो नेक्स्ट मैं ये फ्राइड पनीर को भी मैं अलग से उठा के रख दूंगी प्लेट में। एंड अभी क्या करूँगी, तेल में थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी एंड जो मैंने चॉप की हुई ग्रीन चिली रखा है, चिली नहीं ग्रीन चिली रखा है, उसको भी मैं आधा इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने पनीर को जिसमें मैरिनेट करके रखा था तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। और अभी इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक चीनी ऐड कर दूँगी एंड थोड़ी देर तक और मसाला को जो है फ्राई करूँगी। एंड अभी आप देख सकते हो इसमें कलर कितने अच्छे से आ गया है, तो अभी इसके अंदर मैं सारे जो पनीर ऑनियन मैंने रखा था फ्राई करके उसको भी डाल दूँगी एंड सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हो गया। एंड अभी आप देख सकते हो कितने अच्छे से कलर जो है आ गया है इसके अंदर, तो अभी इसमें सिर्फ ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। एंड सच में कभी ये वाला डिश ट्राई करके देखना, इतना अच्छा लगता है ना रोटी के साथ, क्या बताऊँ। सो मेरा कुकिंग जो है फिनिश हो गया है, अभी 8 बज रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी ना मूवी देखूंगी। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि होइचोई में, होइचोई जो ऐप होता है, तो उसके अंदर एक मूवी देखूंगी, कोई एडवेंचरस मूवी, तो उसी को मैं देखूंगी एंड उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग वेडिटिंग करूंगी, उसके बाद तो खाना वाना है ही। तो आज का ब्लॉग जो है यही पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू, गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट।